घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। उसको समझता क्या? दोस्तों, एक आदमी अपने घर के खुले हुए गेट से झांक रहा था ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई जासूस तो नहीं है। क्या एक पेड़ की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है? और वो मन ही मन खुद से ही फुसफुसाया क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए कहीं कोई नहीं था। बाहर लोग गंदगी वाली गलियों में घूम रहे थे और दोपहर की हवा उबलते चावल की स्मेल से भरी थी। दोस्तों, देवरा कोंडा आंध्र प्रदेश का गांव पहले बाकी और गांव की तरह लग रहा था, लेकिन इसके रूरल एरियाज के अनहोनी काम ही ऐसे थे जब से राज्य पुलिस ने 7 अप्रैल को 20 लाल चंदन स्मगलर्स को उसके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शुरू होने वाले घने जंगल में मार दिया था। तब से देवरा कोंडा में साइलेंस और डर का माहौल छा गया था। दोस्तों, गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अब उनके पालतू जानवर जैसे गाय भैंसों को वापस लाने और बोरवेल यानी गहरा कुआं जिसे जमीन में ड्रिल किया गया है उसको चालू करने के लिए रात में बाहर निकलने से डर लगता है क्योंकि वो नहीं जानते कि कब पुलिस आएगी और उन्हें स्मगलिंग के लिए उठाकर ले जाएगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की स्मगलिंग हाल ही में नेशनल हेडलाइंस में नजर आई है, लेकिन सालों से देवरा कोंडा और शेषांचलम जंगल के आसपास के दर्जनों बाकी के गांव जो दुनिया से लाल चंदन के प्राइमरी सोर्स हैं, चीन और जापान के वेल्दी खरीदारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड से कनेक्टेड थे। चीन और जापान वो देश हैं जो पेड़ के गहरे रंग की महत्व को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इस लाल चंदन की लकड़ी के पैसे को इलेक्शंस में यूज किया गया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए किया गया और हजारों लोकल लोगों को लकड़हारे या लो लेवल मिडिल मैन के रूप में भर्ती किया गया। लेकिन दोस्तों, 7 अप्रैल को हुए एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर बताया गया है जिससे लोगों को डर और भी ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, अगर गांव वालों से पूछा जाए कि ये स्मगलर्स कौन है तो उनका कहना है कि वो सब लोग स्मगलर्स हैं। वहां के 99.9% लोग इस धंधे में शामिल थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और पुलिस सिर्फ किसानों के पीछे जाती है और बड़े लोगों को अकेला छोड़ देती है, तो ये आखिर कैसा जस्टिस है? तो दोस्तों, इसी तरह पुष्पा फिल्म जो टोटली लाल चंदन की स्मगलिंग के आगे पीछे घूमती है, हो सकता है कि पुष्पा 2 में हमें एनकाउंटर के बाद लोगों के डर को देखने और महसूस करने का इस दौरान मौका भी मिल जाए। आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।